मैं देखनी है इसमें। ठीक है, तृतीय उपदेश जो है हम देख रहे हैं। तृतीय उपदेश में हमने कुछ कुछ चीजें देख चुके हैं, ठीक है, मुद्राओं की संख्या, सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके जो लाभ हैं वो भी हमने देखा था, ठीक है। इसको गोपनीय रखना है, रात्रि के समान रखना है, कुलीन स्त्री जैसे अपने संगम की क्रियाएं गुप्त रखती हैं, वैसे ही ये जो मुद्राएं हैं उसको गुप्त रखने की बात है। अभी तक हमने मुद्रा देखा है, महामुद्रा, ठीक है। मैं चाहूंगा अनीता जी आप महामुद्रा एक बार बता दीजिए, उसकी विधि तुरंत। सर 10 मुद्र। अच्छा, विधि बताना है, नाम। महामुद्रा की विधि बता दीजिए, महामुद्रा की विधि कैसे करते हैं। महामुद्र, हाँ, वो बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की सिवनी में लगाना है, दोनों हाथों को दोनों हाथों से कस के पकड़ना है पैर को, फिर जालंधर बंद करके वायु को धीरे धीरे कुंभक करना है। कौन से पैर को पकड़ना है? बाएं पैर की एड़ी को सिवनी पे लगाना है और दाहिने पैर की जो फैला रहेगा दाहिना पैर उसको पकड़ना है। ये बताना, ठीक है। जी और जो सर, वायु वायु कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करना है कौन सा कुंभक था? सर, जालंधर बंद। ठीक है, ओम प्रकाश जी इसके लाभ बताइए, तुरंत बताना है, क्विक। लाभ क्या हमने देखा था, महामुद्रा के लाभ क्या देखे थे? ओम प्रकाश योगी जी, गौरव बताओ आप। महामुद्रा के लाभ मेघा जी बताओ, कोई तो आओ, अभी तैयार सर नहीं। सर इसमें कुंडलिनी सीधी हो जाती है, मतलब जैसे सांप सांप को डंडे से सीधा करते हैं, वैसे उसी तरह इसमें बल प्रयोग से कुंडली सीधी होती है, फिर पंच क्लेशों का नाश होता कुंडलिनी है, सीधी, जी आप सीधे समझिए कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, बस एक पॉइंट था जागरण आगे। हो जाते हैं, पंच क्लेशों का नाश होता है, मृत्यु का भय नहीं रहता और कुछ भी पत्य अपत्य नहीं रहता, मतलब और विष भी सहजता से पच जाता है और नीरस भोजन भी रस युक्त लगने हो जाता है, और कुष्ठ रोग मतलब पेट से रिलेटेड कोष्ठबद्धता, अजीर्ण, ये सब दूर हो जाते हैं। चलो ठीक है, देखो मोटा मोटी आपको याद रखना है सब चीजें, बहुत बढ़िया। अब जो है दूसरा है महाबंध, महाबंध बताइए आप, राधिक हरगुण जी बताइए, जल्दी से बताओ, बस 2 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। सर महाबंध अर्थ पद्मासन की तरह होता है, सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाएं एड़ी को सिवनी नाड़ी पे लगाते हैं और जंघा के बीच में रखते हैं और हृदय प्रदेश में ठुड्डी को लगाते हैं बंद और बताओ कौन कौन सा लगाते योनि हैं। सर जालंधर बंध और कौन सा बंद है, और कौन सा बंद है? तो जालंधर बस और कौन सा बंद लगाते हैं पूजा जी बताओ। सर, मूल बंद ठीक है अरुण जी, ध्यान रखना है। इसके लाभ बताओ, पूनम लाभ लाभ बताइए। महान सिद्धियां प्रदान करने वाला है, काल पाश रूपी बंध उसको दूर करने वाला है और ठीक इरा है, पीरा कुंडला और सुषुम्ना का संगम करता है। ठीक है, मैंने आपको ना इमेज नहीं दिखाया था ना, आज चलो मैं आपको ना इमेज भी दिखा देता हूँ महामंत्र। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक बार बता दीजिए। ठीक जी सर, है, देखो ये है हमारा, कौन सा है मुद्रा बताओ, महामुद्रा, ठीक है। हाँ मुद्दा कौन से आसन की जैसा है? शीर्षासन की, ये जानु जानू शीर्षासन, सिरासन। जानु शीर्षासन के जैसा, ठीक है। अब ये देखो महाबंध है, कैसा है ये,
अर्ध पद्मासन की स्थिति है ना, और जालंधर बंध लगा हुआ है और मूल बंध है, मूल बंध आपको बस इसको समझना है, मूल बंध होता है एनस। अब हम देखेंगे महावेद, ठीक है, ये देख लो, इमेज देख लो और फिर जो है हम आपसे पूछेंगे बात। चलो कहाँ गया, यहाँ। आज हम आगे देखेंगे महाबंध के आगे महावेद, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन है जो पूछ देता है कई बार महावेद का। देखो दिख रहा है स्क्रीन, सबको दिख रहा है 24 नंबर, यस सर। ठीक है जी, आवाज मेरी क्लियर है एक बार बता दीजिए। हाँ देखो महावेद, थोड़ा सा आज मैं ज्यादा ले लूं तो चलेगा ना लेक्चर दो का, क्योंकि इसके बाद ना खिचड़ी है वो बड़ा लंबा है, ठीक है, और बहुत समझने की जरूरत है उसको, तो आप लोग जाइएगा मत, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है लेक्चर आज का। अथ महावेद, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो, ठीक है, कह रहा है कि जो स्त्रियां जो सजती संवरती है ना, उसके जो रूप लावण्य, उसके जो यौवन है ना, उसकी सुंदरता है, ठीक है, अभी ना जितने यहाँ पर पुरुष लोग होंगे वो बड़ा खुश हो जाएंगे, क्या, हाँ, क्या बात है सर, है कि जो स्त्रियों की जो सुंदरता है वो पुरुष के बिना क्या है, निरर्थक है, वेस्ट है, ठीक है, और ये जो महामुद्रा और महाबंध जो है निष्फलो वेद वर्जित हो, और ये निष्फल है, महावेद के बिना ये जो है महामुद्रा और महाबंध का कोई औचित्य ही नहीं है, उसके बिना ये। एक बार क्या हुआ ना, एक मतलब महिला को मैंने कहा क्यों इतनी सजती संवरती हो, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए तो हम एक्चुअली वो महिला कोई नहीं, मेरी मैडम थी, मैं किसी और से थोड़ी पूछूंगा तो वो जो स्त्रियों का जो सजना सवरना होता है ना, उसके जो सौंदर्य है वो पुरुष के बिना कहा जाता है कि निरर्थक है कि जो महिलाएं सजती सवरती हैं वो किस लिए सजती है, पुरुष को रिझाने के लिए तो सजती सवरती है, 100% नहीं लेकिन मैक्सिमम तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन 100% नहीं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ सर, नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं, मैं तो नहीं सजती सवरती किसी पुरुष के लिए, तो हो सकता है, ठीक है, तो और फिर क्या कह रहा है, ये इंपोर्टेंट है, सेकेंड लाइन जो है ना ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये जो महामुद्रा और महाबंध जो है महावेद के बिना निष्फल है, ठीक है, आगे ये क्लियर है 24, आगे बढ़ते हैं, अरे ऐसे क्यों है, मतलब क्या लॉजिक है, क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है, देखो रूप इसमें क्या कह रहा है कि रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुष विना, आप देखो एक दूसरे के लिए वो मतलब क्या है, पूरा एक दूसरे के साथ ही चलने वाली है, इस पुरुष का और स्त्री के, और स्त्री का पुरुष के बिना, दोनों के बिना ही ये सृष्टि की रचना नहीं करी जा सकती है, वैसे ही जब आप महावेद लगाएंगे ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में आगे वाले श्लोक में, एक दो श्लोक आगे, जब आप महावेद जब लगाते हैं तो वैसे ही कह रहा है कि महामुद्रा और महाबंध के बिना महावेद निष्फल है, जब तक महामुद्रा और महाबंध सिद्ध नहीं होगा महावेद सिद्ध नहीं होगा, समझ रहे हैं, इस सृष्टि की रचना जो है सिर्फ स्त्री या केवल पुरुष नहीं कर सकता है, आपकी जो सिद्धि होगा केवल महामुद्रा या महाबंध से नहीं होगा, उसमें महावेद का भी उतना ही जरूरी है, आपकी सिद्धि पर्पस से समझ लीजिए, ठीक है,
तो जैसे हमने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि हठ योग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठ योग, है ना, दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते हैं, अलग नहीं चलता है, वैसे ही यहाँ पे कह रहा है। समझ में आया? जी सर, नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊं, कई सारे नहीं तरीके। सर, क्लियर है? समझ में आया। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाबंधस्थ स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एक धी वायु नाम गति मावृत्य निर्भितम कंठ मुद्राया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि साधक जो होता है ना, जब महाबंध जब लगाता है, योगी कोई भी होता है, जब वो महाबंध की स्थिति में रहता है, तो वो कैसे करना है, जब आप वो सांस जब लेगा तो पूरी एकाग्र चित्त होकर एक धी, एक जगह एकटक होकर। ठीक है भाई, अर्जुन ने उनके जो गुरु थे उनको कहा कि पेड़ पे जो बैठा चिड़िया है उसको वेदना है ना, उसके आंख को वेदना है, तो उसने कहीं नहीं देखा, बाकी लोग कहाँ देख रहे हैं, पेड़ की पत्तियां देख रहे हैं, चिड़िया के पूंछ देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं, कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखा, उसकी आंख दिखी। वैसे ही योगी को क्या है, एकाग्रचित होकर जब आप महाबंध में स्थित होते हैं, ठीक है, तो ये देखो ये विधि बता रहा है। देखो क्या कह रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, आप सोचो कि हम पढ़ रहे हैं महावेद, लेकिन यहाँ महाबंध की चर्चा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये महामुद्रा और महाबंध महावेद ना अधूरा है, ठीक है, महामुद्रा और महाबंध ये दोनों ही वेद के बिना फलहीन है, इससे पहले हमने जो देखा। वैसे देखो यहाँ महाबंध की स्थिति में होना है, जब आप महावेद कर रहे हैं, ठीक है, महावेद का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको महाबंध की स्थिति में होना चाहिए। और बताओ महाबंध में हम कौन सा आसन करते हैं, कौन सा आसन लगाते हैं? नालंदर अरे और मूलबन। लगाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो महाबंध की स्थिति होनी चाहिए, मतलब अर्ध पद्मासन होना चाहिए। ध्यान रखो, एकाग्रता भंग होगी फिर समझ नहीं आएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एकाग्रचित होकर महाबंध में बैठना है, श्वास लेना है पूरक करते हुए, और वायु नाम गतिमावृत्ते निर्भृतम कंठ मुद्राया। यहां देखो जालंधर बंध लगा दिया, कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंध, वायु को रोक कर, जो गति वाला वायु, जब आप श्वास लेते हैं तो यहाँ पे क्या कुंभक लगाना, वायु नाम गति मावृत्ते निर्वृत्तम कंठ मुद्रा, कंठ के मुद्रा में वायु को रोकना है, उसकी गति को रोकना है और होल्ड करना है। समझे जी? नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं। महाबंध में बैठना मतलब अर्ध पद्मासन में बैठना, श्वास को लेना है, एकाग्रचित होकर श्वास को लेना है, इनहेल करना है, और वायु की गति को रोकना है। कैसे? कंठ मुद्रा से, मतलब जालंधर बंध से रोकना है और होल्ड करना है। दिस इज द महावेद। ओके, आगे देखते हैं। समहस्त, अब देखो आगे बता रहा है, विधि खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। समहस्त युगो भूमौ इस्चौ संताड़यिक्षणै पुट द्वय मति क्रम्य वायु स्फुरति मध्यगा। ये जो सेकेंड लाइन है ना, इससे पहले भी आया था एक बार इस तरह का सेम लाइन, ठीक है। द्विपुट याद है, द्विपुट का नासिका, जो हम दोनों नासिका रंध्र को होल्ड करते हैं। श्लोक नंबर 11 याद करना, महामुद्रा जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था कि क्या आया था कि मरनासना, ऐसे कुछ था ना, तदा च मरनासना प्रजायते द्विपुट, ऐसे कुछ तो था श्लोक, आप देखना पीछे महामुद्रा में था वो। यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि दोनों, पहले दोनों हाथों को, पहले अर्ध पद्मासन में रखा, दोनों हाथों को भूमि पर रखना है। बताओ ये कौन सा आसन है, किसके जैसा आसन है ये? हाँ, सुन जैसा। तुलासन जैसा है ना,
जैसे तराजू को जैसे तोलते हैं ना, ये तराजू के जैसे होता है, वैसे ही तोलासन के जैसा होता है कि दोनों हाथों को जमीन पे रखा और भूमि के ऊपर उठाना है, संतापेड क्षणे, अच्छी तरह जमीन पे हाथ को लगाया दोनों हथेली को और नितंब को धीरे से ऊपर की तरफ ऊपर उठा दिया, हवा में उठा दिया, ठीक है जी। और क्या कह रहा है, दोनों नासिका पे द्युपुट, मतलब दोनों नासिका की वायु को यहाँ पे, ठीक है, वायु को क्या करना है, मध्यगा, मतलब मध्यगा का पर्यायवाची बताओ, किसके लिए मध्यगा यूज हुआ है, सुषुम्ना के लिए, सुमना हाँ जी, सुषुम्ना में ले जाना है, तो अब क्या होगा, ईरा और पिंगला नाड़ी में जो प्राण जा रहा था, वायु जा रहा था, वो क्या होगा, मरणासन की स्थिति होगी कि नहीं होगी। श्लोक नंबर 11, मैं आपको एक बार फिर से उसको, सेम वैसे ही था ना, तदा सा मरणा अवस्था जायते द्विपुटाश्रया, जब दोनों तरफ से ईरा पिंगला में जो प्राण है वो क्या होगा, मरणासन की स्थिति हो जाएगी, तो क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगा और आपकी जो वायु है, प्राण है, कहाँ जाएगा, सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। क्लियर है, क्लियर है, यस ठीक है, एक बार बोल दो सर, क्लियर है, आगे बढ़िए, है ना। सोम, आप देखो क्या कह रहा है, सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते चा अमृताय वै, मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुम विरेचये। अब देखो सोम सूर्या अग्नि, यहाँ पे ना सोम, अच्छा बताओ सोम का तात्पर्य क्या है, चंद्रमणि चंद्र, चंद्रमणि बहुत बहुत बढ़िया, चंद्र। और सोम कैसे समझे, कि सोम रस का ट्राव कहाँ से होता है, चंद्र नाड़ी से होता है, जो ऊपर होता है हमारे मस्तक से जस्ट ऊपर, ठीक है, वहां से क्या होता है, सोम रस का स्राव होता है, मतलब चंद्रमंड, चंद्र से समझेंगे। और चंद्र नाड़ी कौन सा है, किसको कहते हैं, ईरा को कहते हैं, ठीक है, सूर्य नाड़ी किसको कहते हैं, पिंगला को कहते हैं, राइट नोस्टल। और अग्नि संबंधो, यहाँ अग्नि के तात्पर्य यहाँ पे सुषुम्ना से है, ठीक है जी। तो क्या हो गया, ईरा पिंगला और सुषुम्ना का जब संबंध होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो स्पंदन नीचे दिया हुआ, ईरा पिंगला के स्पंदन, या यहाँ पे दोनों का मिलाव हम समझ सकते हैं, सूर्य पिंग, ईरा पिंगला और सुषुम्ना में जो भी हमारे जो प्राण होंगे, है ना, ईरा गया फिर पिंगला गया और बाद में सुषुम्ना में, तो तीनों में ही तो स्पंदन हो रहा है हमारे, तो आपस में जब परस्पर स्पंदन होता है तो क्या होता है, अमृता है, मतलब यहाँ पे सोम रस का स्राव, अमृत का स्राव होता है, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, अमृत का स्राव होगा। और कहते हैं ना कि जो इसको पा लेता है, अमृत को पा लेता है, तो कैसा हो जाता है, अमर हो जाता है, अमृत की प्राप्ति होती है उसको। तो क्या समझ में आया इससे, कि ईरा और पिंगला के स्पंदन से जब ये आपस में मिलते हैं तो अमृत का स्राव होता है, ठीक है, और अमृत की प्राप्ति होती है। इसके बाद क्या हो जाएगा, मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचय, और कैसा अवस्था आता है, मृत अवस्था उत्पन्न होता है ना। आप देखो ये वर्ड वहां भी था, मृत, कैसे, मृतावस्था का मतलब क्या, जो हमारे ईरा और पिंगला में जो जा रहा था ना वायु, वो क्या हो जाएगा, हमारा मृत हो जाएगा, और फिर जाके हमारा जो प्राण है सुषुम्ना में प्रवाहित तभी होता है, ठीक है, जब दोनों बैलेंस हो जाए, और कहना निष्क्रिय हो जाना, मृतावस्था का मतलब क्या, निष्क्रिय हो जाना। तो जब मरणावस्था की जब स्थिति होती है, ठीक है, तो वायु का क्या करना है, रेचक करना है, ततो वायु वायु विरेचय। ओके क्लियर है, बताओ, देखो जबरदस्ती नहीं समझना है, हमें बिल्कुल ये पॉइंट अच्छे नहीं, से, सॉरी सचिन, ये पॉइंट समझ नहीं आया कि जैसे कि सोम सूर्य, तो सुषुम्ना को अग्नि क्यों कहा है? जैसे कि पहले पर्यायवाची हमें सुषुम्ना नाड़ी के हमें बताए गए थे शुरुआत में ही चैप्टर के, उसमें तो हमें एक तो अग्नि नहीं बताया, दूसरा यहाँ पे इसको अग्नि से क्यों डिनोट करा जबकि सूर्य खुद अपने में एक अग्नि है, तो सुषुम्ना को सेम ऊर्जा के साथ या सेम उसके तो क्यों डिनोट करा?
देखो क्या होता है, इसीलिए अग्नि से किया है, जब वायु जो है, जैसे प्राण जो है जब सुषुम्ना में जाता है ना, तो उस वक्त जो है एक अग्नि, अग्नि मतलब जैसे कि आप समझो जैसे कुंडलिनी का जागरण होता है, प्राण वायु जब हमारे सुषुम्ना में जाता है तो एक कुंडलिनी का जागरण, और जब कुंडलिनी का जागरण होता है ना तो उस टाइम पे आपका शरीर बहुत गर्म जैसा और हीट जनरेट हो जाता है, एक अग्नि का कह सकते हैं कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे इसलिए इस सोच के साथ सुषुम्ना को जो है यहाँ अग्नि से समझाया गया है, ठीक है। मानते हैं ये कि भी पिंगला, सॉरी हाँ जी सर जी, मतलब इसे ये भी समझ सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि जो भी हमारे शरीर में जितनी हमारी जैसे हमारी 13 प्रकार की अग्नियां हैं वो भी प्रदीप्त हो जाती है साथ साथ में। हाँ बिल्कुल, वो भी समझ सकते हैं। देखो लेकिन यहाँ पे ना स्पष्ट यहाँ कह रहा है कि सूर्य, और यहाँ पे इसके अलावा कोई और लॉजिक लग नहीं सकता है, सोम मैं उस सूर्या लॉजिक से अग्नि। नहीं कह रही, मैं उस लॉजिक से नहीं कह रही कि इसमें अग्नि का मतलब सुषुम्ना नहीं है, वो नहीं मैं कहना चाह रही। लेकिन अग्नि जब पहले ही सूर्य और अग्नि को हम एक ही पर्यायवाची की तरह लेके चलते हैं, बहुत सी जगहों पे हम ऐसा ही लेके चलते हैं, गर्म है तो सूर्य की तरह हम बात करते हैं, पिंगला को भी हम सूर्य में ही और अग्नि उष्ण उसमें लेते हैं। तो अगर सुषुम्ना का जबकि ऐसा कभी वर्णन कहीं मिला नहीं कि वो ठंडा नहीं है या मिला वो नहीं। हाँ गर्म है। जी देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं ये मेरा सर, दृष्टिकोण वर्णन क्या, तो है सर, ये बताया कहाँ गया सर, ऐसा बताया गया है जो हमारे जब दोनों नाड़ियां हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों है ना हमारे बराबर एक प्रवाह पे चलते हैं, तो हमारे जो रीढ़ के हड्डी नीचे से लेकर पीनियल नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे पूरे भ्रमरंध तक एक वायु जो है ना एक हीट की तरह से है ना, एक जैसे हम ज्वाला बताया है यहाँ पर अग्नि बताया, ऐसे उसमें भी बताया उपनिषद में बताया है सर, कि मेरे को याद नहीं आ रहा, योग उपनिषद में बताया किसी ने। ज्वाला? अच्छा हाँ ठीक बिल्कुल, है, ज्वाला के जैसा तो है, एक जगह मैंने ये पढ़ा है। नहीं सर बिल्कुल अग्नि के जैसा, कुटलांगिनी, सर कुटलांगिनी भी बोला गया, कुटलांगिनी का मतलब भी एक तरीके से ज्वाला या फिर किसी हीट गर्म चीज के बारे में बताया गया, ऐसा कुछ भी आई थिंक। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ये समझ में हमें आ गया। उपनिषद में पढ़ने को मिलेगा ऐसा। हाँ बिल्कुल, कई जी जगह जी सर जी, उपनिषद ही धन्यवाद। ये भी सुषुम्ना भी एक न एक 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 पर समझिए अग्नि का ही पर्यायवाची है, वो सुषुम्ना अग्नि को ही वो डिनोट करता है, फायर, ठीक ओके ठीक है। देखो सीधी सी है, बात है, जैसे अग्नि क्या सफायर जो होता है ऊपर की तरफ लपटे मारता है, जी वैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, कहीं ना कहीं उष्मा उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, तभी जाके कुंडलिनी जागृत होती है, समझे। ओके जी, हाँ चलिए हम इसको इसको समझ गए हैं, आगे हम देखते हैं। आगे तो महावेदो अयम अभ्यासान सिद्धि प्रदायक, ये लाभ बता दिया ना, वलित पलित वेप विपघ्न सेव्यते साधकौतमयी। देखो ये क्या कह दिया है, महावेद के अभ्यास से महासिद्धि मिलती है, एक तो ये लाभ हो गया। आप इसको लिख लो, आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, मैं आप लोगों को ना चेक करूंगा जी इसमें। सर जी, उसके बाद वलित पलित रोग, वलित पलित रोग होता है ना जैसे कि बुढ़ापा आ जाना, है ना, बाल पक जाना, है ना, झुर्री आना, ये बुढ़ापा के ही तो लक्षण है, इसलिए इसको कहते हैं वलित पलित रोग दूर हो जाना। और कंपन विपघ्न कंपन को दूर करता है, सेव्यत साधकोत्तमय, और ये क्या है, उत्तम उत्त साधकों के लिए, उत्तम साधकों के लिए को इसका अभ्यास करना चाहिए, उत्तम साधकों को इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। इसका लाभ हो गया इसमें महासिद्धि उत्तम वलित साधक पलित, शब्द आ गया है, या उत्तम साधक किसको कहा गया? तीन तीन प्रकार के साधक है ना, कैसे होता है साधक बताओ, निम्न कोटि मध्यम कोटि और उत्तम कोटि के साधक होते हैं ना, उत्तम मृदु मद साधक अधिमद, कौन, उत्तम मध्यम, हाँ तीन प्रकार के साधक होते हैं ना। चलिए
ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एतत् त्रयम् महागुहम् जरा, देखो अगला फिर इसका जो वो भी बता दिया लाभ, जरा मृत्यु विनाशनम् वह्नि वृद्धि कर्म चैव अनिमादि गुण प्रदम। देखो यहाँ पे अष्ट जो सिद्धि है ना, अनिमा अष्ट सिद्धि, उसके भी नाम बता दिए, यहाँ बता दिया कि सिद्धि मिलता है। ये तीन के बारे में कह रहा है। ये जो तीन हमने कौन कौन सा देखा, बंध, महावेद, सॉरी मुद्रा, कौन कौन सा देखा, बंध सॉरी, मुद्रा, महावेद मुद्रा, और कौन सा, महाबंध महाबंध मुद्रा। ये तीनों मुद्राओं के बारे में ये कह रहा है। एतत् त्रयम् महागुहम्, ये जो तीनों थे मुद्राएं, उनसे क्या हुआ, जरा मृत्यु विनाशनम्, जरा मृत्यु का नाश होता है, ठीक है, वहनी वृद्धि क्रम मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है, चैव अनिमादि, और जो हमारे अनिमा आदि जो सिद्धियां हैं। अच्छा कौन बताएगा इसमें, परिका जी आप बताओ, अनिमादि सिद्धि कौन कौन सी है, सर आठ। लिखी थी, मुझे प्रॉपर पूरा याद नहीं। अणिमा ठीक बताओ, से नहीं, अणिमा इसलिए तो मैंने आपकी से, महिमा, अणिमा महिमा, तीन चार और नाम थे, अणिमा चलो दो आपने महिमा। बता दिए, बाकी छह जो है अनीता जी बताओ। जी सर, अनिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य वशित इच्छित। ठीक है जी, याद आया, परिका जी याद आया कुछ, ठीक याद कर लेना, अनिता जी बार ठीक है। अब देखो अष्टधा, ठीक है, अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने, पुण्य संभार संधायी पापोद्धभि रुद्रम भी दुरम सदा सम्यक शिक्षावतामेव शवलंपम प्रथम साधनम। ये जो आठ जो अष्टधा क्रियते, ये जो आठ सिद्धियां है ना, ठीक है, जो आठ सिद्धि आप देख रहे थे, उसका अभ्यास कैसे करना है, उसका देखो, अष्टधा क्रियते चैव, ये जो जो आठ सिद्धियां आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्रियते मतलब ये जो अष्टधा जो आठ सिद्धियां हैं वो आपको मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप यामे यामे दिने, याम का मतलब होता है क्या, 3 घंटा, एक याम बराबर लिख लेना भैया, ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, एक एक याम बराबर 3 घंटा, सॉरी 1 मिनट, 3 घंटा, तो बताओ कि 24 घंटे में कितने हो गया, 6 घंटे सर, 8 याम, आठ 8 घंटे 8 बार करने के लिए कह रहा है, ठीक है, यामे यामे, ठीक है, 3 घंटे पर 8 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, 3 घंटे पर दिने दिने, एक दिन में, ठीक है, 3 3 घंटे पर कितनी बार, 8 बार, 3 घंटे पे बता दे रहा हूं भाई, 8 बार, तभी तो 8 त्रिक 24, 24 घंटे में होगा, ठीक है जी। तो कह रहा है क्या कि ये जो अष्ट सिद्धि आपको मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप 3 3 घंटे पर 8 बार इसका अभ्यास करोगे, ये जो हमने अभी देखा है सारे, है ना, महामुद्रा, महावेद, महाबंध, पुण्य संभार संधाई पापो द्विपुत्रम सदा, और ये क्या करता है, पुण्य देने वाला है ना, पापों का क्या करेगा, पापों को नष्ट करने वाला है और पुण्य देने वाला है, ठीक है, सम्यक शिक्षावते सवलम, पहले आपको क्या करना है, प्रारंभ में ही जो अच्छे जानकार होते हैं ना, शिक्षावता जो जानकार हैं, साधक हैं, उनको सबसे पहले, प्रथम साधनम, सबसे पहले क्या करना है, सोलम, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए,
जो जानकार है ना, ऐसा नहीं है कि आप जो है जानकार हो गए तो आप नहीं तेजी से करोगे अभ्यास, फास्ट कर से करोगे, मनमानी करोगे, ऐसा नहीं। जानकार को भी क्या कह रहा है कि धीरे धीरे अल्प मात्रा में, है ना, अल्प मात्रा में अभ्यास करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कई बार आप लोग। अब आता है खेचरी। हम लोग के पास पर्याप्त समय है क्या? खेचरी में बहुत समय लग सकता है, खेचरी में टाइम टेकिंग है और बहुत समझने का है। तो आप बताओ, अगर आप मुझे 15-20 मिनट दोगे तो मैं जाके इसको आगे बढ़ाऊंगा। सर हो जाएगा, अभी तो 41 अभी तो ही 20 मिनट हुए हैं। अच्छा पूरे पूरे। टाइम है भी सर जी। चलिए फिर, अथ खेचरी कपाल कुहरे जिभ्या प्रविष्टा विपरीत तका। जब तक ये खत्म नहीं होगा नहीं छोड़ूंगा, फिर मुझे मत कहना क्योंकि तो लंबा है ये, और जब तक मैं समझाऊंगा नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं। अब कह रहा, भ्रुवो अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। अब खेचरी में देखो क्या कह रहा है, आपने इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में घेरंड संहिता में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो जरूर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे भी बहुत डिटेल में इसकी चर्चा है। कह रहा है कि जीभ को, जिभ्या प्रविष्टा विपरीतगा, जीभ को उल्टा करके, है ना, जीभ को उल्टा करके प्रविष्ट करना है। कहाँ प्रविष्ट करना है? कपाल कुहर। कपाल कुहर किसको कहते हैं? जो हमारा जो सबसे, कपाल कुहर को ना एक जगह एक और वर्ड से आया था, केदार, याद है कुछ? सर इंग्लिश में प्रीमियम प्लान केदार बोलते तो हैं। सर भूमति को बोले थे ना अभी, इसके पहले किसी श्लोक में केदार पे दृष्टि वो करना है, ध्यान लगाना है उसको, आप तब भूमध्य बताए थे सर। बताए, केदार जो है कपाल कुहर के पास भी इसको कहते हैं। आगे हम देखेंगे, या शायद पहले हमने देखा था कुछ, मुझे जहां तक ये याद आ रहा है कि केदार एक है इस तरह का वर्ड, इसके लिए भी आया है, बताया था सर आपने बताया होगा, मुझे याद है कि सर कपाल महाबली। महावन, तो वहां पे भी आता है ये वर्ड। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझो कि केदार, मुझे एकाएक याद आ गया वो चीज, कपाल कुहर, एक जगह हमने केदार को भी समझा था कपाल कुहर के पास। मैं एग्जैक्ट वो श्लोक देखूंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ पे आपको है। तो कपाल कुहर में लेके जाना है, मतलब जो हमारा समझ लो कि सबसे तालू का सबसे अंदर का भाग, जहां पे ना एक एक कहता है ना घंटी के जैसा वहां लटका रहता है, आप फील करोगे वहां पे, अंदर जब लेके जाओगे टंग्स को, पैलेट्स, पैलेट्स का सबसे मूल भाग, इनर पैलेट्स, ठीक है, और फिर जब उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हो ना, उसको कहते हैं कपाल कुहर। वहां आप देखोगे ये घेरंड संहिता में वहां नभो मुद्रा है, एक खेचरी से पहले की एक मुद्रा, वो भी एक खेचरी के जैसा है नभो मुद्रा, वो खेचरी से पहले का है, जिसमें हम पैलेट्स को टच करते हैं बस, अंदर नहीं लेके जाते हैं कपाल कुहर। यहाँ पे क्या है, कपाल कुहर में लेके जाना, सबसे अंदर इनर पैलेट्स में टच करना होता है, ऊपर लेके जाना होता है, इसीलिए कहते हैं कि वो केदार में लेके जाओ, अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ लेके जाओ, दैट्स वाई ये वर्ड आया था वहां पे। और भूमध्य दृष्टि आपकी कहाँ होनी चाहिए? दोनों भावों के बीच भूमध्य दृष्टि होनी चाहिए, है ना। इसका एक और वर्ड आता है भूमध्य दृष्टि, कोई बता सकता है एक और वर्ड की क्या प्रयुक्त होता है भूमध्य दृष्टि के लिए? अज्ञान चक्र, हाँ अज्ञान चक्र, ना, आज्ञा सर चक्र है, वो आसान है। हाँ वो दोनों नाक, अरे अरे सर वो दोनों नाक, दोनों ना भावों है भी सर, संभव है, भावों का बीच, ब्रह्म दोनों भावों के बीच। हाँ वो दोनों भावों के एक वर्ड क्या आता है उसके लिए, अभी कोई तो बोल ब्रह्म रहा था। हाँ श्रांभवी सर, भ्रुकुटी, श्रांभवी भ्रुकुटी के मध्य में लेके जाना है, बहुत बढ़िया, भ्रुकुटी कहते हैं उसको, ठीक है जी। तो भूमध्य दोनों भावों के बीच का स्थान भ्रुकुटी, वहां पे अपनी दृष्टि, जहां बोल सकते हैं शिव जी का त्रिनेत्र जहां रहता है, आज्ञान चक्र का भी स्थान वहीं, वहां पे दृष्टि जमानी है, इसी को हम खेचरी कहते हैं। क्लियर?
आगे देखते हैं। अब देखो ये वर्ड ग्रंथ संहिता में आएगा कि चालन दोहन करना है, नवनीत मक्खन, ये सब चीज का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है छेदन चालन दोहन कलाम क्रमेण वर्ध ये तावत सा यावत भ्रूमध्य स्पृशति तथा खेचरी सिद्धि। अब देखो क्या करा कि चालन करना है, दोहन करना है, छेदन करना है, ये तीन वर्ड है। दोहन हम कैसे करते हैं, वहां पे क्या था नवनीत का मक्खन से दोहन, दोहते हैं ना, जैसे गाय के थन को हम कैसे दूध जब आप निकालते हो गाय के थन से, तो कैसे दोहन करते हैं उसको, है ना, हाथ से पकड़ के, दोनों हाथ से पकड़ के उसके थन को दोहते हो, वैसे ही अपने टंग्स को दोहन करना होता है। और हम वहां पे, यहाँ पे तो शायद वर्ड नहीं यूज किया है कि आपको नवनीत ये सब चीज यूज करना है, लेकिन आप ग्रंथ संहिता में पढ़ोगे तो वहां है कि नवनीत मक्खन ये सब चीज का यूज करना होता है। छेदन करना, चालन खींचते हैं, चलाते ना, खींचना होता है। छेदन मतलब कटन, काटना है, किसको काटना है, जो हमारे मूल है तालू का, जो टंग्स का, जो वहां एक जब आप देखोगे तो वो खिंचाव आएगा टंग्स के जस्ट नीचे वाले उस पास, वो उसको सीरा कहते हैं, सीरा के पास उसको काटना होता है। अब कितना काटना है वो मैं आपको अगले श्लोक में बताता हूं। और या सा तावत भूमध्य स्पृशति तथा खेचरी सिद्धि, कह रहा है कि तब दृष्टि को भूमध्य में लगाने से, नहीं, तब तक उसको खींचना है, या सा तावत भूमध्य, तब तक खींचना है, तब जब तक कि भूमध्य को ना स्पर्श कर ले। ठीक है, क्या स्पर्श कर ले, जीव, जीव को जब आप पैरेट्स के अंदर तक लेके जाते हो ना, इसलिए मैंने केदार यूज किया था, वो कहां तक लेके जाना है, भूमध्य तक लेके जाना है, ऊपर तक लेके जाना है, ये बहुत सिद्ध योगी ही कर पाते हैं, इतना आसान नहीं होता ये चीजें करना। जो हठ योगी होते हैं, बहुत उत्तम कोटि के जो साधक होते हैं, उनके लिए होता है ये, वो करते सर, हैं हम इसके जैसे। इसमें तो ऑप्शन है ना कुछ? हाँ, क्या ऑप्शन है, इसका एक दूसरा तरीका भी बताया गया था कि बिना इसको कट किए भी जीव को कर सकते हैं। अब यहां तो नहीं है, अब देख आगे लेंगे, बताया आगे देखेंगे, जाएगा सर। आगे देखते हैं, आगे आगे लाइसेंस रखिए। ठीक है, तो कहां तक स्पर्श करना है, ध्यान रखना है, भूमध्य ऑप्शन में डाल देगा। ठीक है, कि कहां तक भूमध्य होना चाहिए, नासिका डाल देगा, भूमध्य डाल देगा, उपरोक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं, और भी कई सारे ऑप्शंस आपके डाल देगा। ठीक है, इस तरह से तो कहां तक स्पर्श होना चाहिए, भूमध्य तक स्पर्श होना चाहिए, तब जाके खेचरी की सिद्धि होती है। ऐसे नहीं होती, खेचरी की सिद्धि को क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेचरी की सिद्धि कैसे होती है, ऑप्शन में डाल देगा इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं, बस समझ लोगे ना, तो जैसे ऑप्शन में आता है ना, अपने आप आपको रिकॉल आ जाएगा। अच्छा हाँ, कुछ कुछ चीजें जरूरी नहीं है आपको एकदम बहुत रट ही जाए, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो कितना अरे काटना है। क्वेश्चन, हाँ जी, सर कपाल, कुहर और भूमध्य में अंतर क्या है? भूमध्य दोनों भावों के बीच का स्थान है, और कपाल कुहर जो होता है ना, जब से अब पैलेट्स होता है ना जीभ के ऊपर, एक देखना पैलेट होता है, पैलेट कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं हिंदी में, उसको फिर उसके सीधे अंदर, और अंदर जैसे जाओगे ना, तो एक घंटी के जैसा तालू। लटका हुआ रहता है, तालू, तालू, अच्छा हाँ, अपर ऊपर वाले पैलेट, अपर तालू ऊपर वाला, तो अंदर जब देखोगे ना, तो आप आईना देखना, शायद किसी को दिख जाए, मुंह खोल के देखना, एक घंटी के जैसा लटका रहता है। ठीक है, उस मार्ग टच होता है वो, और फिर उस मार्ग से अंदर ले जाके, अंदर ले जाके ऊपर की तरफ खींच के लेके जाना है, और वो कहाँ चला जाता है, जब आप ऊपर ले जाओगे ना, तो वो कहते हैं कि हमारे भूमध्य तक जाता है। अब वो कब जाएगा, इतना ऊपर तक कैसे जाएगा, जिसकी जीभ लंबी होगी, जीभ लंबी, लंबा करने के लिए ही तो हम चालन दोहन छेदन करते हैं, जीभ को लंबा करने के लिए, ताकि जीभ लंबा होकर पीछे पैलेट से होते हुए ऊपर जाए, और जब ऊपर जाएगा तभी तो ऊपर से जो हमारे चंद्रमंडल से जो सोम रस का श्राप होता है, ठीक है, वो भूमध्य होते हुए आता है,
तो जो जीव हमारा भूमध्य तक पहुंचा हुआ है, केदार तक पहुंचा हुआ है, कपाल कुहर से ऊपर तक पहुंचा हुआ है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, वो जो नेक्टर ऊपर से गिरेगा, सोमरस गिरेगा, उसका पान करते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं कि अमरत्व की प्राप्ति होती है। ओके, अब देखो काटना है, कितना काटना है, किससे काटना है, स्नुही पत्र निभम, ये क्वेश्चन का कि कैसा पत्ता, एक होता है एक उसका थुहर का पत्ता कहते हैं, है ना, एक कोई पेड़ होगा थुहर, मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है थुहर के बारे में, आप लोग तो सर्च कर सकते हो गूगल पे, वो स्नुही का सर, पत्ता कहते हैं। हाँ जी, थुअर के पत्ते को सर एक हार श्रृंगार का पत्ता होता है, वो थोड़ा सा खुरदुरा सा रहता है, शायद उसे कहते हैं, एक पत्ता होता है। अच्छा ठीक है, किसे? तो एक हर श्रृंगार का पत्ता होता है, जब कफ बढ़ जाता है तो उसको फ्रैक्टर्स आड़ा बना की के सर, बनता नहीं सर, जो फ्रैक्टर्स की जो वो होती है ना स्पीशीज, इसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, इसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, अभी आप समझ लो इसका डिसीजन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है जी। देखो स्थूहर की जो पत्ता होता है वो बहुत धारदार वाला होता है, जैसे कि तलवार कैसे, या फिर आप ले लो ब्लेड, ब्लेड कैसा एकदम तीक्ष्ण रहता है, धार वाला रहता है, वैसे ही थुहर का पत्ता होता है, ठीक है, बहुत धार। उससे क्या करना है, स्निग्ध निर्मलम समाद्यत रोम मात्रम समुच्छी नेत, इस वो जो स्नुही का पत्ता है वो आपका औजार के जैसे काम करता है, ठीक है, और उसको अपने जीव के जो अंदर जो सीरा रहता है उसको कितना काटना है, रोम मात्र जो है काटना है, ठीक है, रोम मात्र, इतना काटो कि ब्लीडिंग ना हो, इसलिए रोम मात्र काटना होता है, तो थोड़ा सा, और देखो ऐसा नहीं कि एक बार काट दिया हो गया, बिल्कुल नहीं, इसको आपको बार बार करना होता है, ठीक है, वीकली करना होता है। अब देखो कब कब है ये बता दिया है डिटेल, तथा सैनद्वम पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्ष्यति प्रघर्ष्येत पुनः सप्त दिने, है ना, एक अभी सप्ताह मैंने बोला था, देखो सप्त दिने प्राप्ति रोम मात्रम समुचित, आपको क्या करना, एक बार आपने काटा और फिर काट के छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपको सिंधा नमक और चूर्ण लेना, देखो यहाँ पे ना चूर्ण आप देखोगे तो आप यहाँ पे हिंदी में हरर का चूर्ण बोला है, तो आप यहाँ पे ना हरर का ही चूर्ण समझना, वैसे स्रोत में हरर का जिक्र नहीं है, सिंधा नमक का जिक्र है, ठीक है, बट फिर भी आप अगर यहाँ पे सिंधा हरर का चूर्ण समझना, फिर भी अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, रहेगा तो फिर याद रखना हरर का चूर्ण, सिंधा नमक और हरर के चूर्ण से जिह्वा को वहां पे क्या घसना है, उस पर घर्षण करना है, जीभ पे आपने कटिंग किया, ठीक है, तो भाई आप लोग जो लोग मेल होंगे, जो लोग सेव करते हैं, है ना, सेविंग करने के बाद क्या करते हो, लोशन लगाते हो ना, लगाते हो, क्यों, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इस तरह से, तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जैसे आपने काटा है उसको कोई तरह का इन्फेक्शन इस तरह का कुछ भी ना हो, इसीलिए वहां पे सेंधा नमक और हरर का चूर्ण से जीभ को घसना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, 7 दिन पे रोम मात्र फिर से काटना है, बिल्कुल रोम मात्र मतलब बाल के बराबर, और फिर ये रिपीट करना है आपको थोड़ी देर में, और कब तक करना है ये मैं आपको अगले श्लोक में बताता हूं, सर, एवं इसमें जो क्रमेण, सर इसमें जहाँ ऊपर तत् सैंधव पत्थाभ्याम पे नीचे विच्छेद करके लिखा है, तो पत्थाभ्याम का मतलब भी हरण होता होगा सर शायद, नहीं जैसे मुझे तो आप देखो सैंधव पत्थाभ्याम चूर्ण, मतलब देखो इसको विच्छेद करेंगे तो सैंधा के साथ एक पत्थाभ्याम मैं समझ गया, मैं भी सर, देख रहा था, चुर्मिता बट बोल रहे हैं सर, चुनिता अभ्याम बहुत से चूर्ण। चूर्ण हरर का चूर्ण, ठीक है, ये समझना, यहां सिर्फ चूर्ण है, मैंने वही कहा कि हरर का चर्चा इस श्लोक में नहीं है, बट अगर एग्जाम में दे देना हरर तो जरूर आप हरर को ही ठीक करना, हरर और सिंधा नमक को, ठीक है, चलिए अब आता है कि, या फिर नहीं भी दे सकता है, ओके, हरर भी नहीं देगा सिर्फ चूर्ण दे देगा,
या फिर देगा गिरण सहित, वहां पे गिरण सहित मुझे थे शुंठी शायद बताया था उन्होंने। वहां पे ना एक और चीज का आया है ये आप कथा, कथा का आया है कथा, जिसको हम जहां तक मुझे याद आ रहा है गिरण सहित में कथा यूज करते हैं। ठीक है, एवं क्रमेण सन मास नित्य युक्त समाचरेत क्षण मासांद्र क्षणामूल शिराबंध प्रणश्यति। आप देखो क्या कह दिया है, 6 मास तक कह रहा है नित्य रूप से प्रतिदिन ने अभ्यास करना है। ठीक है, 6 मास तक आपको इसका अभ्यास करना है, प्रतिदिन काटना नहीं है, याद रखना इसका आप अभ्यास करना है खिचड़ी का, लेकिन काटना क्या है, वीकली काटना है। प्रतिदिन का मतलब ये ऐसा मत समझना कि हम रोज काटें। और फिर कब तक काटना है, 6 माह तक काटना है, एक एक सप्ताह पे सन मासांध्र मूल शिराबंध प्रण, 6 महीना तक इसको करना है इसका अभ्यास, एक एक सप्ताह पे काटना है। और फिर अपने आप जब 6 महीना तक इसका अभ्यास करोगे ना, तो जिह्वा के मूल में जो अभी मैंने क्या बोला शिरा रहता है अटैच, वो क्या होगा हट जाएगा, सिरा बंध जो है हट जाएगा, और जीभ आपकी बहुत लंबी, जीभ लंबी क्यों नहीं है, सिरा से बंधा हुआ है तभी तो ज्यादा लंबा नहीं निकलता। आप देख लो, देखते हैं कि कितने लोगों का जो टंग है नोज से टच हो जाता है, बहुत लोगों का नहीं टच होता होगा, आगे जीभ कई बार थोड़ा सा ये हास्यास्पद भी लग सकता है कि सर जीभ को आगे से नाक को टच करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग का नहीं होता टच, आप देखो ट्राई करके देखो, बताना, अभी नहीं बताना लास्ट में पूछूंगा। ठीक है जी, ये श्लोक क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब तक करना है ना, 6 महीने तक करना है और वीकली आप आगे वाले पॉइंट को ही कट करना है ना, सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं अभी, एक मिनट इसको मैं एंड करता हूँ, लास्ट में इसको फिर से डिस्कस करने, मैं इसको पहले पढ़ा देता हूँ। जीव जिससे जुड़ा हुआ था ना, सबसे अंदर वाले चीज सीरा बंद, उसको करना है, जीव के अगले भाग को नहीं काटना है। पता चला आप लोग गए सर ने कहा है कि भाई जीव का जीव काट लिए, ऐसा मत करना। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो फोन कर लेना मुझे कि सर मैं खिचड़ी का अभ्यास करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। कलाम परांगमुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तक। अब देखो क्या कह दिया कि जीव को उल्टा करके परांगमुखी, परांगमुखी मतलब उल्टा, कलाम मतलब देखो मैं बता रहा हूं आप लोग को, तो यहाँ पे इसका मतलब कलाम का मतलब होता है जीव, परांगमुखी मतलब उल्टा कर दिया, तो जीव को उल्टा करके त्रिपथे परियोजनाएं, त्रिपथे तीन पथ, यहाँ पे त्रिपथ किसका यहाँ पे आता है बताओ, संगम को कहते हैं ना, कहते हैं का संगम जो ब्रह्मरंध्र में होता है सर। हाँ जी, त्रिपथ प्रयोजित वहां तक लेके जाना है। ठीक है, और इसी को कपाल कुहर के अंदर लगाना है, कपाल कुहर भी कहा है, और बताओ क्या हम इसको केदार कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति होगी, केदार को ही तो कहते थे संगम, समझ में आया सर, केदार को ही तो हम कहते थे संगम, कहते थे कि नहीं कहते थे बताओ। जी सर, महाबन में इसका वो हुआ है वर्णन, वर्णन है, तो जस्टिफिकेशन मिल गया ना आपको ये इस यहाँ इस लाइन से भी सर। अज्ञा चक्र का भेदन करते हुए जो ईड़ा और पिंगला जाते हुए अज्ञा चक्रवात तो ब्रह्मरंध्र में मिलती है ना, वहां पर संगम होगी। हाँ वही चीज कह रहा हूँ, वही चीज कह रहा हूँ। ठीक है, सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम, व्योम किसको कहते हैं, आकाश को, व्योम का मतलब होता है आकाश, तो आकाश चक्र यहाँ पे ना करने से क्या होगा, व्योम चक्र, व्योम चक्र का मतलब आकाश होता है, आकाश आप इनके इस तरह से समझिए कि इसको हम आकाश चक्र भी कहते हैं, खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र से भी कहा है और आकाश से भी, खेचरी का मतलब ही होता है खे,
आज उसको और डिटेल समझा देता हूं। खे प्लस चर, आकाश में गमन करना, ठीक है जी। खे मतलब क्या होता है, आकाश बताया था ना, चर मतलब चर, आकाश में गमन करने, इसलिए इसको क्या कहा है, व्योम चक्र भी कहा। ओके जी, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। रसना, रसनाम उर्ध्व उर्ध्व गमाम कृत्वा क्षमा अर्ध अर्धम अपि तिष्ठति विषय विमूर्च्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि। अब देखो लाभ बता दिया है, ठीक है। रसना भैया अब बताओ, जो रस है उसका आप, जैसे कोई मीठा है खट्टा है, कैसे समझते हो, किसी रस का अनुभव कैसे किससे करते हो आप? जीभ के द्वारा, जीभ, जीभ। हाँ, रसना का मतलब यहाँ क्या है, जीभ है, ठीक है, जीभ से समझेंगे। और क्या करना है, जीभ को ऊर्ध्वगम ऊपर की तरफ गमन करते हुए क्षणा अर्धम, यहाँ पे आधा क्षण कह रहा है, रखना है तिष्ठति, आधा क्षण तक याद करना, कब तक रखना है अपने जीभ को ऊपर कपाल कुहर तक लेके जाना, कब तक, आधा क्षण तक, अर्ध आधा क्षण तक रखना है। इससे क्या होगा, विषय मतलब जो आपके जो विष का भी नाश होगा, है ना, और व्याधि मृत्यु जरादि, तो व्याधि का, बुढ़ापा का, है ना, अकाल मृत्यु का, ये जो जरा मरण का जो नाश, उस सब का नाश होगा। ये लाभ बता दिया है, व्याधि मृत्यु जरादि भी, ये सारे लाभ हो गया, और विषों का भी नाश होता है, विष जो होता है उसका भी नाश होता है। क्लियर है जी, देखो यहां लिख देना, आधे क्षण मात्र जीव को ऊपर लगाकर रख। ओके सर, क्षण क्षण कितना हो जाएगा, कितना मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना समय? आप देखो ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा था एक बार मुझसे, क्षण से क्या समझे, समय की छोटी इकाई, छोटी इकाई तो सेकंड होता है, तब सेकंड समझ लो, ठीक है, सेकंड से समझ सकते हैं आप क्षण को। अब आता है, न रोगो मरणम तंद्रा न नित्रा न चिंता त्रिषा। आधा क्षण तो यहाँ पे फिर कुछ सेकंड, मतलब आधा सेकंड रखना है, वही समझ लीजिए, आधे क्षण मात्र कह रहा है। अब क्षण क्या होता है आपको, मतलब क्षण तो सेकंड ही हो सकता है, अब एक ही बताओ जो इतनी देर तक थोड़ी होल्ड कर पाएगा, कोई क्षण मात्र ही होल्ड कर पाएगा, जीभ को ले जाएगा, इतने देर होल्ड ही नहीं कर पाएगा कोई। सर क्षण का मतलब सेकंड है सर, और निमेश का मतलब मिनट है, क्षण मतलब सेकंड है संस्कृत में। अच्छा हाँ, संस्कृत में क्षण, ठीक है, आप इसको यही समझेंगे, निमेश का मतलब मिनट, मिनट किसको कहते हैं, निमेश, निमेश, अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखो, न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा त्रिषा न च मूर्छा भवेतस्य यो मुद्राम वेति खेचरिम। अब इसमें क्या कह दिया, न रोगो मरणम, जो ये सिद्धि को सिद्ध कर लेता है ना, खेचरी को जो सिद्ध कर लेता है, वो क्या होगा, न रोग न मरण, अब ऐसा थोड़ी है कि जो मरेगा नहीं, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होगी, कहने का मतलब ये है, ऐसा थोड़ी है कि कोई रोग नहीं होगा, है ना, हो सकता है तो, बट ठीक है, कह सकते हैं ना कि कम होगा रोग, या फिर इतना कोई प्रायोजित कोई रोग होता है ना, जैसे बहुत ऐसा डिजीज हो जाए जो ठीक ना हो, ऐसा कुछ नहीं, ना रोगो, कोई रोग नहीं होगा, मरण का भी नाश होगा, जरा मरण का नाश होगा, निद्रा नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, भूख प्यास नहीं लगेगा, है ना, और न च मूर्छा, और न मूर्छा आदि भी नहीं आएगा, ना बेहोशी जो कहते हैं ना, मूर्छा, मूर्छा हमने प्राणायाम भी समझा था, आपको याद होगा मूर्छा प्राणायाम, मतलब कोई मूर्छा नहीं आएगी, कोई बेहोशी नहीं आएगी, बस यही है, खिचड़ी के लाभ दे दिया है। आगे देखते हैं और कितना रह गया, बस दो तीन और रह गए, तीन चार, बस हो गए, ज्यादा नहीं।
पिड्यते न स रोगेन लिप्यते न चकर्मणा बाध्यते न स कालेन यो मुद्राम वेति खेचरी। जो खेचरी मुद्दा को सिद्ध कर लेता है वह रोग से पीड़ित नहीं होगा, न स रोगेन लिप्यते, कोई रोगों से लिप्त नहीं होगा, ठीक है, न चकर्मणा, और किसी के क्रम बंधन में नहीं बंधेगा वो, न चकर्मणा बाध्यते, कोई भी क्रम बंधन से मुक्त हो जाएगा, न स कालेन न जो, अब कोई भी काल जो होता है ना, काल का मतलब जो मृत्यु से होता है यार, ठीक है, तो जो मृत्यु के जीवन चक्र, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ना, उससे भी परे हो जाता है वो, ठीक है, वो बाधित नहीं करेगा उसको। इसी को जो सिद्ध हुए हैं योगी, उन्होंने इसको खेचरी कहा है, खेचरी मुद्रा कहा है। चित्तम चरती के, आपका जो चित्त है, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार, यहाँ चित्त मतलब मन से है, चित्तम चरती खे यस्मात् जिभ्या चरती खे गता तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध निरूपिता। अब चित्त क्या है, खेच मतलब खे मतलब यहाँ पे आप आकाश में, आकाश को हम शून्य से भी समझते हैं, शून्य, तो जो आपका जो चित्त है वो शून्य में विचरण करता है, ठीक है, खेच मतलब आकाश, आकाश में विचरण करेगा मतलब शून्य में विचरण करेगा, ठीक है, जब जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट कर जाती है, ठीक है जी। और कह रहा है इसलिए इसको मुद्रा को तेसाम खेचरी नाम, खेचरी मुद्रा कहा गया है, सिद्धि निरूपिता, और इसलिए इसको खेचरी, सिद्ध जो लोगी हुए हैं, सिद्ध ही जो सिद्ध योगी हुए हैं, इसका खेचरी नाम दिया है। मैंने बताया था ना खे प्लस चर, है ना, वही चीज से पहले मैंने चर्चा करी थी। आगे कर रहा है खे चर्या मुद्रितम येन विवरम लंबिका उद्र, खेचरिया सर वॉइस ब्रेक हो रही है, खेचरी से, खेचरी मुद्रा से जीव को, अच्छा गौरव कुहर का पता जो है मैसेज किया है, मैं दे देना सबको, नहीं आई मुझे आवाज, एक मिनट ना दरवाजा खोल देता हूँ, आ गई सर अभी जा रही आवाज, सर अब आ रही है, आगे ये खोल दिया ना। अब कह रहा है कि जो खिचड़ी का जो अभ्यास करता है ना, खिचड़ी मुद्रा के द्वारा जीव को क्या करना है, ऊपर की तरफ उद्वर, कैसे, लंबिका मतलब लंबा करके जीव को ऊपर की तरफ लेके जाना है, विवरम, विवर किसके लिए आया है, कपाल कुहर के लिए वर्ड यूज आया है विवर, ये क्या हो गया, ये स्क्रीन पर जन्नी हो रही क्या, हो रही है सर अभी अभी, कहाँ चला गया खिचड़ी, सर पेज 88 सर, 88 है जी सर, अरे पेज नहीं 88 ज्यादा, ये तो बढ़ा दिया ना, 41 है सर, देखो ये सब तो पढ़ा दिया अभी, 103 88 और श्लोक संख्या है सर 41, ये कैन सेट 4 पे, चलो ये यहीं पे थे ना अपन, तो आ गए सर, आ गए ना, हाँ देखो खेचरी मुद्रा के द्वारा जो क्या करते हैं, जीभ को हम लंबा करके कहाँ लेके जाते हैं, विवर में, कपाल कुहर में लेके जाते हैं, विवर का मतलब क्या, कपाल कुहर, न तस्य छरते बिंदु, और इससे क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो बिंदु श्रावित होता है कमल वहां चंद्र मंडल से, उसका क्षरण नहीं होता, क्षरण नहीं होता मतलब आपके सूर्य मंडल में नहीं जाता, और ये क्या कामन्या श्लेषिता तस, अब इसमें सुंदर स्त्री को तरह, अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या कह रहा है, जो बिंदु है हमारा, अब इसका मतलब आप ऐसे समझो कि जो कोई पुरुष जो है जैसे कोई स्त्री के साथ
संपर्क में आता है या फिर उससे आलंगित होता है, ठीक है, तो जो हमारा या वीर्य का जो शराब है या इस तरह का है वो अस्खलित नहीं होता, वो भी नहीं होता, ठीक है। वही कह रहा है कि इसके जो खिचड़ी का जो सिद्ध कर लिया तो वो बिंदु का जो क्षरण होता है वो नहीं होता है, ठीक है, वो और सुंदर स्त्रियों के द्वारा भी आलंगित होने पे भी अस्खलित नहीं होता, मतलब वीर्य अस्खलित नहीं होता, ये भी चीज है, तो ध्यान में रखना है इसको। ये दो चीजें आपको और ज्यादा डिटेल में आगे समझ में आएगा, ठीक है, अभी आप बस इसको समझ लो, आगे इसका और डिटेल में है इसका चर्चा कि सर इस तरह से कैसे, तो आगे हम इसको समझेंगे। जब आप वज्रोली पर होगे ना, सहजोली वज्रोली, वहां पे भी और इसका अच्छे से चर्चा है, वहां मैं आपको बताऊंगा, आप इसका टिप्पणी को भी पढ़ सकते हो अच्छे से, भी आपको देखो यहाँ मैंने बताया था ना वज्रोली नामक योग अभ्यास में भी सब अच्छा चर्चा मिलता है इसको, ये समझ में आ गया आपको 41, हम 42 पे आते हैं। चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम वज्रत ऊर्ध्व हत शक्तिया निबद्धो योनि मुद्रा। अब इसमें कह रहा है कि जब बिंदु अस्खलित कदाचित वह बिंदु अस्खलित हो जाए, है ना, चलो तो यदि बिंदु संप्राप्त योनि मंडल, ये चर्चा आपको बहुत डिटेल वज्रोली में मिलेगा कि योनि मंडल कहाँ है ना, और कैसे ये जो बिंदु है, इस सब के जो चर्चाएं है ना आपको हम मैं डिटेल में आपको बताऊंगा वज्रोली मुद्रा पढ़ेंगे तब, ठीक है। बस अभी आप ये समझ लो कि जो बिंदु अस्खलित हो जाता है और योनि मंडल में पहुंच जाए, योनि मंडल होता है हमारे जो कह रहे हैं कि जेनाइटल ऑर्गन्स के पास जो है वो हमारा योनि मंडल है, सूर्य मंडल हो गया हमारा नाभि के पास और चंद्र मंडल हमारे मस्तिष्क के पास, ठीक है। तो कह रहा है कि जब बिंदु अस्खलित हो जाए, है ना, बिंदु अस्खलित हो जाए और कहां पहुंच जाए, योनि मंडल में पहुंच जाए, ठीक है, तो भी योनि मुद्रा का जो भी योनि मुद्रा के जो प्रक्रिया किया हुआ जो बिंदु है बलपूर्वक खींचकर वापस जो है ऊपर की तरफ आप ले जा सकते हैं, है ना, वर्जयत ऊर्ध्वा। आप देखो मैं इसको सरल भाषा में समझा देता हूं, जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है, ठीक है, उसका ये लाभ बता दिया है जो इसके रेगुलर अभ्यास में, कह रहा है कि पहली बात कि कोई पुरुष स्त्री के संपर्क में आने से उसका स्खलित नहीं होगा, वीर्य का स्खलन नहीं होगा, अगर सपोज हो भी जाए, ठीक है, और जैसे कोई बिंदु है बिंदु का भी क्षरण नहीं होगा, बिंदु का यहाँ पे क्षरण नहीं होगा, अगर मान लेते हैं कि स्खलित हो भी जाए और बिंदु योनि मंडल के पास चला भी जाए तो भी आप खेचरी मुद्रा के प्रभाव से जो योनि मंडल में बिंदु गया है उसको पूर्व गति की तरफ लेके जा सकते हो। द सिंपलेस्ट वर्ड, आप इसको इस तरह से समझना, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब कुछ कुछ ऐसे है जैसे कि अगर वो बिल्कुल बॉटम पे यानी कि रूट पे भी पहुंच जाए तो भी उसको वापस अपनी जगह पे या उसे उठाया जा सकता है, ऊपर उठाया जा सकता है, राइट, यही कह रहा है। वर्जयेत ऊर्ध्वम, है ना, हता शक्त्या निबंधय योनि मुद्रा, ऊपर की तरफ, ठीक है, जो योनि मुद्रा में जो रुका हुआ है ना वहां पे पहुंच गया है बिंदु हमारा, ठीक है, बंधयो, जो योनि मुद्रा में पहुंच के रुका हुआ है उसको हम बलपूर्वक शक्त्या, है ना, बल शक्ति से बलपूर्वक से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, ये खिचड़ी मुद्रा के प्रभाव है, खिचड़ी मुद्रा के बारे में बता रहा हूं। आगे देखते हैं इसका, आगे और भी डिटेल चर्चा वज्रोली में हम देखेंगे, डोंट वरी, अब निश्चिंत रहे। अब कह रहा है उर्द ये वाला समझ में नहीं आया सर, मतलब ये इसके हिंदी में ऐसा लिखा है कि योनि मुद्रा की प्रक्रिया से रुका हुआ बिंदु बलपूर्वक खींचकर ऊपर वापस चला जाता है,
मतलब खेचरी से जाएगा या योनि मुद्रा की प्रक्रिया से? ये तो देखो खेचरी का ही इसके प्रभाव है। देखो योनि मुद्रा, देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही है कि योनि मुद्रा की प्रक्रिया से रुका हुआ है, उसके प्रक्रिया से जरूर रुका है, लेकिन आप जब ऊपर खी कैसे लेके जाओगे ऊपर, तो आप खेचरी मुद्रा से ही ऊपर की तरफ लेके जाओगे। आपने योनि मुद्रा लगाया बिल्कुल ठीक है, बिंदु को आपने बलपूर्वक रोक लिया उस स्थान पे, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं होने दिया, लेकिन उसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, खेचरी मुद्रा से ही तो लेके जाएंगे ना ऊपर, उसका प्रभाव है। योनि मुद्रा से नहीं लेके जाएंगे, वो खेचरी मुद्रा का प्रभाव है। आपने जो ऊपर से आया है, जो बिंदु है वो योनि मुद्रा में गया, ठीक है, और योनि मुद्रा में होल्ड कर लिया, योनि मुद्रा से योनि मंडल, सॉरी योनि मंडल में गया और योनि मुद्रा से उसको होल्ड किया, ठीक है, ओके, और फिर जाके ऊपर जब आप लेके जाओगे तो वो खेचरी का प्रभाव है जब आप ऊपर जाता है, ना कि योनि मुद्रा का प्रभाव, ठीक है। अब समझ में आया? देखो तीन होते हैं, एक तो योनि मंडल में, ठीक है, और योनि मंडल में पहुंचकर योनि मुद्रा का प्रयास से हम योनि बल बिंदु को रोकते हैं और फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं खेचरी से। समझ में आया? जी सर। तो जी यहाँ पे योनि मुद्रा रजरोली सहजोली से है। नहीं, ये अलग है, योनि मुद्रा अलग है, ठीक है। ओके गिरण संहिता में है योनि मुद्रा जीव, है ना। देखो ऊर्ध्व जीव है, ये हम चर्चा करेंगे, फिर से करेंगे, डोंट वरी, इस पे हम और विस्तृत चर्चा करेंगे वज्रोली में, वहां और डिटेल है, अभी आप बस इसको समझ लो। यहाँ पे ऊर्ध्व जीव यह स्थिरो भूत्वा सोम पाना करोति या मसा धेन न सं देहो मृत्युम जयति योग। अब जीव को ऊपर की तरफ स्थिर किया, लेके गए, और क्या करना है, सोमपान मतलब नेक्टर जो होता है ना, सोमरस, उसको उसका पान करना है ना, और मांसार्धेन सन देहो मृत्यु जयति, और कह रहा है कि मांस, मांसार्धेन मतलब कि आधा मास, मासा अर्धेन, जब इसको अन्वय करोगे ना तो आधे महीने में, कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधे महीने में जो है मृत्यु को जीत लेगा। कौन? योगवित, मतलब जो श्रेष्ठ योगी हुए हैं वो मृत्यु को जीत जीत लेता है, ऐसा नहीं अमर हो गया, लेकिन हाँ वही अलंकार शक्ति का चर्चा मैंने पहले कहा, अकाल मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु को जीत लेता है आधे महीने में ही, जो इसका अभ्यास करता है, जो सोमरस का पान करता है ना। नित्यम सोम कलापूर्ण शरीरम यस्य योगिना तच केनापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्वति। अब देखो क्या क्या कह दिया इसमें, सोम कलापूर्ण जो प्रतिदिन जो साधक रेगुलर इसका अभ्यास करेगा, है ना, मतलब जो वो क्या होगा, सोम कलापूर्ण शरीर, उसके जो शरीर है सोम रस से भरा रहेगा, ठीक है, और क्या करेगा, तक्षक, और तक्षक सांप है, यहाँ पे सुना होगा आपने, तक्षक के काटने से भी दष्टव्य विषम न, तक्षक सांप के काटने से भी उसका विष नहीं चढ़ेगा योगी पे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा सांप? तक्षक है, तक्षक सबसे विषैला सांप होता है, सांपों में भी सबसे विषैला सांप है तक्षक सांप, आपने सुना होगा ये, तक्षक सांप, कालिया सांप सुना है, कृष्णा में कालिया, यस सर। उसका नाम शायद आई थिंक तक्षक ही था, तक्षक ही थे क्या वो सांप, हाँ सर, उसका अलग नाम बताया गया था। है ना, तो तक्षक सांप सबसे विषैला सांप होता है। तो देखो यहाँ लिख दिया, पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक सर्वाधिक जो विषैला सांप है, सारे विषैलों में सर्वोच्च, उसमें सबसे विषैला, उसके काटने का भी विष नहीं चढ़ता,
इंधनानी यथा वहनी अस्तैलवर्ती न दीपका ने च दीपका तथा सोमकलापूर्ण देही देहम न मुझे। जिस प्रकार क्या कह दिया, ईंधन है ना, जो लकड़ी से अग्नि निकलता है ना, अग्नि रहती ईंधन लकड़ी में, जिस प्रकार लकड़ी से जो अग्नि निकलती है, वहनी तेलवर्ती दीपका और तेल बाती से जो दीपक होता है, दीपक जो होता है उसमें क्या क्या चीज रहता है भाई, तेल रहता है, बाती रहता है ना। तो जिस प्रकार लकड़ी से अग्नि तथा तेल और बाती से दीपक नहीं बुझता, उसी प्रकार जो होता है तथा सोम कलापुन, उसी प्रकार सोम से रुक युक्त जो देह है, किसका देह, साधक का देह है, देहम न मुच्यति, उसके शरीर में अग्नि नहीं समाप्त होगी। और यूं समझ लीजिए, देहम न मुच्यति, यहाँ पे आप जब आप देखोगे तो वहां आत्मा से कह रहा है ना, शरीर को आत्मा नहीं छोड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आत्मा मृत्यु के बाद तो हर एक शरीर से आत्मा जाता है ना, लेकिन आप जब उसको समझोगे कि उससे क्या कहते हैं कि शरीर से आत्मा का अलग नहीं होना, आप जैसे कैसे समझो इसको, इसको आप समझो जैसे कोई लकड़ी में अग्नि रहे, आप सांख्य योग पर होगे ना, तो वहां एक चीज है कि सांख्य योग में एक चीज आता है, जैसे किसी बीज में कार्य और कारण सर। हाँ, सत्यकार्यवाद का सिद्धांत जो होता है, सत्यकार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है, कार्य कारिणी का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई किसी चीज में किसी चीज का निहित होना। अब जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से उसमें, या घड़ा है तो घड़ा में क्या मिट्टी है, जैसे कोई बीज है तो बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष की रहता है संभावनाएं, ठीक है, वैसे कह रहा है वो अलग नहीं है, बीज में वो पूरा विशाल वृक्ष की के समान है, उसके अंदर है, वैसे ये देह है ना, उसके अंदर आत्मा हमेशा निहित रहेगी, उससे अलग नहीं है। कुछ कुछ आप उस तरह से समझना, जैसे किसी लकड़ी में ईंधन रहता है, उसके अंदर अग्नि निहित है, समझ रहे हो, किसी लकड़ी के अंदर अग्नि क्या है, निहित रहता है, जैसे ही उसको जलाओगे देखो अग्नि जल जाएगा। तो वैसे कह रहा है कि आपका जो शरीर है, शरीर से देही देहम न मुच्यति, देह के अंदर देहम, शरीर के अंदर आत्मा, देही देहम न मुच्यति, उससे अलग नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, आप इसको बस अभी समझ लो मुख्य मुख्य चीज क्या है, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट है ये वाला 46 नंबर का, इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इससे बहुत कंफ्यूजन भी आता है लोगों को, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन आएगा। कह रहा है गोमांसम, गोमांस का मतलब बहुत लोग समझते हैं गाय का मांस, नहीं गाय का मांस नहीं होता, गो मांसम भक्षयेत नित्यम पिबेद पिबेदम अमर वारुणम मारु वारुणिम कुलिनम तम हम मन्य इतरे कुल घात का। अब कह रहा है कि गो का मतलब क्या होता है, जीव, ओके समझना इसको, गो का मतलब होता है जीव, और मांस यहाँ पे जीव का, और मांस का मतलब होता है तालू के अंदर जो प्रवेश करते हैं ना, गो मांस का भक्षण जब हम करते हैं, मतलब अपने जीव को कपाल कुहर में ले जाने के लिए कह रहा है, ठीक है, तालू में प्रवेश करते हैं, उसी को कहते हैं गो मांस का भक्षण करना, ठीक है। और इसका जो रेगुलर इसका अभ्यास करेगा, गो मांस का मतलब जीव को कपाल कुहर में ले जाना, और जब इसका नित्य अभ्यास करोगे, गोमांस का भक्षण करोगे, तो क्या होगा, अमर वारुणी
जो कह रहे थे ना कि नेक्टर जो आता है अमर वारुणी, ठीक है, अमर वारुणी हो को आप पीवेत, मतलब आप अमर वानु वारुणी का श्राप वो करोगे, क्या कहते हैं, पीना, ठीक है। और कुलीनम तम्यम मंद, और क्या कह रहा है इसमें कि जो इसका अमर वारुणी का जो पान करता है, ठीक है, वो कुलीन योगी माने जाते हैं। कुलीनम तम्यम मन्यते इतरे कुल घात का, वो क्या होता है, कुलीन माने जाते हैं। और उसके अलावा इतरे, इतरे मतलब अन्य, कुल घात का, उसके अलावा जो क्या कहे गए हैं, अयोगी कहे गए हैं। कुल घातक को हम क्या कह सकते हैं, अयोगी कहे गया, ठीक है। तो ऊपर वाला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गोमांस कई बार पूछ लेता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना। जो गो शब्द नो नोदिता जिभ्या तत् प्रवेशो हि कालोनी, वही यहाँ पे सेम चीज बता दिया है, गोमांसम भक्षणम ततु महापात नाशनम। गो का शब्द बता दिया है ना, गो मतलब जीव होता है और फिर वो तालु में प्रवेश करता है, तो उसी को हम कहते हैं गोमांस भक्षण, और गोमांस भक्षण से महापात नाशक, ठीक है। महापात नाशक मतलब आप समझ लो कि महाकाल का नाश करना, मतलब मृत्यु को नाश करना, है ना, आप मृत्युंजय हो जाना। ये है, ये हमारा आई थिंक, और कितने श्लोक हैं, तीन चार श्लोक और 53 तक छह श्लोक हो रहे हैं। करा दें, करा ही देते हैं, खेचरी खत्म ही हो जाएगा, पेशेंस रख लो, कोई जा तो नहीं रहा। बस मुझे जिनको जाना था वो तो चले गए, ठीक है भाई, बस क्या भी है। आप बताओ, पढ़ाऊं कि रोक दूं यहीं पे? ठीक कंटिन्यू कर दीजिए सर अब तक तो। है, ये 6 है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जिभ्या प्रवेश संभूता वहनी वहनी नोत्पादिता खलु चंद्रात स्रववती या सारा सा सम्याद अमर वारुणी। अब देखो मैं डायरेक्ट हिंदी को ही पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग, और जल्दी हो जाएगा। जिह्वा प्रवेश से उत्पन्न जो उष्णता का कारण है, जिह्वा जो अंदर जा रहा है उससे क्या होगा, अग्नि का उत्पन्न होगा, अग्नि होता है के कारण चंद्रमन, चंद्र जो है हमारा आज्ञा के पास जो है, उससे स्राव, आप भाई देखो अग्नि उत्पन्न हुआ, आपके शरीर में अग्नि उत्पन्न होता है तो क्या होता है, पसीना आता है कि नहीं आता है, जल तत्व बाहर निकलते हैं कि नहीं आता है। वैसे ही जब जिह्वा जो है अग्नि तक, चंद्र तक जाएगा, कपाल कुहर तक जाएगा, तो चंद्र मंडल से वहां से श्राव उत्पन्न होगा और नीचे जाएगा, उसी को हम अमर वानुनी कहते हैं। अब सबका डिफिनेशन एक एक करके बता दे, बहुत आसान है ना। अब कह रहा है चुंबंती यदि लंबिका ग्रम निश्यम जिह्वा रस्य नंदनी, रसस्य नंदनी साक्षरा कटु। अब इसका बता दिया, जो जो नेक्टर है, सोमरस है, वो कैसा है, मीठा है, खट्टा है, क्या है वो, है ना। तो उसके बारे में बता रहा है कि जो ऊपर से जो गिर रहा है, जिह्वा के अग्रभाग पर लगातार कपाल कुहर को स्पर्श करता रहे और अपने ऊपर सदा उससे निकलने वाले श्राव को लेता रहे, ठीक है। उसका बता रहा है कि जो श्राव गिर रहा है उसका स्वाद कैसा है, तो वो कैसा है, नमकीन होगा, तीखा होगा, खट्टा होगा, देखो यहाँ नमकीन, तीखा, खट्टा, अथवा दूध शहद घी के समान अनुभव होता है। ये साधक पे डिपेंड करता है, हर एक साधक को अलग अलग तरह का महसूस हो सकता है, किसी को नमकीन होगा, किसी को तीखा अनुभव होगा, किसी को खट्टा हो सकता है, या तो फिर किसी को दूध शहद घी के समान होगा। और ऐसे साधक सभी रोगों, बुढ़ापे का अंत होता है ना, जरा मरण का नाश होगा, ठीक है, किसी भी अस्त्रों का प्रभाव उस पर नहीं होगा, अनीमा आदि जो सिद्धियां हैं, ध्यान देना इसके लाभ बता रहा है, यहाँ पे भी कई सारे जगह पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आपको रिलेट करके याद रखना कहाँ कहाँ पे अनीमा आदि सिद्धियां मिलती थी, तो खेचरी में भी अनीमा आदि सिद्धि मिलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सिद्ध सिद्ध
सिद्धांगनाएं को आकर्षित करता है, जो यहाँ पे ना योगिनी समझना है इससे, जो सिद्धांगनाएं मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ योगिनी है, योगिनी उनको भी आकर्षित करता है, आकर्षित होती है किसके प्रति? योगी के प्रति। जो सिद्धांगनाएं हैं वो भी आकर्षित होती है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पेपर आ सकता है। उर्ध्व षोडश, अब देखो जिह्वा के कपाल कुहर में जब प्रविष्ट होता है तो क्या होता है? जो षोडश दल है हमारे ऊपर ब्रह्मरंध्र के पास ना, षोडश दल, षोडश मतलब 16 दल, ठीक है, वहां से अनाया कंटिन्यू श्राव होते रहता है, सोमरस का श्राव होते रहता है, और जो व्यक्ति इसका पान करता है वो यहाँ पे ना, वहां से ना हमेशा सोमरस निकलता है निर्मल धारा के रूप में, और उसका जो पान करता है वह कमल तंतु के समान, कमल का तो जो तंतु होता है ना बहुत कोमल होता है, उसके समान शरीर हो जाता है, व्याधि से मुक्त हो जाता है और चीर काल तक जीवित रहता है, ठीक है, चीर चीरम जीवंती, ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको हिंदी में बता दिया है, ये आप याद रखना, ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा, दो तीन बार पढ़ोगे ना याद आ जाएगा। सर चीर काल का मतलब क्या हुआ इधर? अरे चिरंजीवी होना क्या होता है बताओ, यशस्वी भव चिरंजीवी भव मतलब दीर्घायु, आयुष्मान भव है ना, दीर्घायु होना, दीर्घायु होता है ना चिरंजीवी। ओके अब आते हैं कि यत प्रालयम प्रहितम सुशिरम मेरु, अब देखो हिंदी बता दे रहा हूं, मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कला से पूर्ण विवर, विवर किसके लिए आया था? विवर आया था आपको कपाल कुहर के लिए, ठीक है, तो बता दिया। वही गंगा यहां पे ना बता रहा है क्या कि जो मेरुदंड और मस्तक के बीच, मेरुदंड किसको कहते हैं? स्पाइन को कहते हैं, है ना, मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कला पूर्ण विवर है मतलब कपाल कुहर है, वही गंगा नदियां का मुख कहा जाता है। गंगा यहाँ पे ना गंगा से क्या समझे हैं? ईरा, ईरा, ठीक है, और उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बतलाते हैं, सुधि मस्त्र मुखम चंद्रात, इसी को आत्म तत्व बतलाते हैं आप, इसको मैं संस्कृत में देखो ऊपर भी बता दिया है, प्रवदंती सुधि अस्तनम मुखम निमन निम्न गानाम, है ना, सुधि मतलब विद्वान जन, ठीक है जी, सुधि जन इसको क्या बताते, आत्म तत्व बतलाया, तस्मिन अस्तत्वम, है ना, आत्म तत्व बतलाया है, शरीरस्थ सोम मंडल, शरीर से सोम मंडल से निकलते हुए श्राव का जो क्षरण होना है, और ये क्षरण क्या है? मृत्यु का कारण है, कहते ना जो चंद्र मंडल से निकला और भस्म हो गया चंद्र सूर्य मंडल में, और इससे क्या होता है? आपकी आयु कम होते जाती है, आप जब विपरीत करनी पड़ोगे ना, तो कहते ना मुद्राओं में जब विपरीत करनी, कोई भी रिवर्स पोज करते हैं तो क्या होता है, आगे हम देखेंगे उसमें भी कि वो जो उल्टा हो जाता है, चंद्रमंडल नीचे हो जाता है और सूर्यमंडल ऊपर हो जाता है जब रिवर्स पोज करते हो, विपरीत करनी हो, सर्वांगासन हो या शीर्षासन, तो इससे क्या होता है कि आपके जो आयु का भी क्षरण जो है रुक जाता है, कम होने लग जाता है, इसलिए कहते हैं खिचड़ी से भी वैसे ही है कि आयु जो मृत्यु जो होता है वो कम होने, मृत्यु का जो जो कारण है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अतएव उस श्राव का निरोध करना है किसके माध्यम से? खिचड़ी के माध्यम से। अब और क्या कह रहा है? और सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोतम समन्वितम तिष्ठते खिचड़ी मुद्रा तस्मिन सुन्ने निरंजन, और पांच स्रोतों से जो युक्त विवर है, ठीक है, पांच स्रोतों से जो युक्त जो विवर, विवर यहाँ पे कपाल कुहर है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं,
और कितने श्लोक हैं? सर सिर्फ दो बचे हैं, दो ही है ना? चलो इसके बाद सर एक बचा है लास्ट, इसके बाद नहीं एक है, एक आप कर रहे हो, इसके बाद हाँ, वो एक। इसके बाद ही एक बचा, मतलब इसे मिला के दो। चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो जो पंच स्रोत, जो हमारे पांच जो स्रोत हैं, क्या क्या होता है पंच स्रोत बताओ, किसी को पता है? पर ये तो दो नाक, नाक दो कान और कान। मुंह, ये इनका जहां मिलता है। उसी को कहते हैं जो पंच स्रोत, अरे जिनसे हम विषय ग्रहण करते हैं, है ना, ज्ञानेंद्रिय, सेंसेस सर, सेंसेस जो होती है हमारी। सेंसेस। यस सेंसेस, यही तो कह रहा है, जिनसे ज्ञान जमकम, जिससे हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी चीज को हम समझते हैं उसी को पंच। तो वही कह रहा है कि जो पंच स्रोतों से युक्त जो विवर है वही वो ज्ञान का उत्पादक है। सेंसेस आंख कान, अरे वो कर्मेंद्रिया। नहीं, वो पांच सेंसेस नहीं है, केवल तीन की बात की गई है सर यहाँ। दोनों कान, दोनों, अच्छा तीन है, हाँ तीन की बात कही गई, सही बात है। ऊपर के जो है ठीक है, नाक कान और मुख, ये तीन चीज। थैंक यू सर भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों नाक, दोनों जो हमारे हैं, दोनों कान और मुख, ये तीन की बात है, तीन चर्चा करी गई है, इसे यहाँ पे पांच बताया, दोनों दो दो यूज करा है, इसीलिए पांच हो। ठीक है, तो जहां मिलता है ये जो, इसको पंच स्रोत कहा जाता उसी को ज्ञान रहित शून्य में खिचड़ी विद्वान विद्यमान रहती है। बस ये ध्यान रखना पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस समझने की दृष्टिकोण से इसको समझ पंच स्रोत। ये क्या हो गया? सर मोबाइल थक गया लगता है। सर ये पंच स्रोत के बारे में कहाँ है, मतलब मुझे क्लियर नहीं हुआ। टिप्पणी में देखो, टिप्पणी में देखो। मिला? मिला परिका जी? देखो यहां पे है ना, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, दोनों नाक, दोनों कान और मुख की नाड़ियां जहां मिलती हैं, इसको हम पंच स्रोत कहते हैं। ठीक है, देखो कहीं कहीं पे आपका जो सप्त स्रोत की भी चर्चा है, जिसमें दोनों आंख और दोनों नलिकाएं हो जाती हैं, बट यहाँ पांच याद रखोगे। एकम सृष्टिमयम बीज मेका मुद्रा च खेचरी, एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मनी। अब देखो यहाँ पे ना मनोन्मनी अवस्था की बात कहती है। ठीक है, इस सृष्टि का जो मूल बीज है, परनवी है, हिंदी बता दे रहा हूँ। ठीक है, मुद्रा में एक खेचरी मुद्रा है, जिसको श्रेष्ठ, यहाँ पे मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है, खेचरी मुद्रा बताया है। ठीक है, निरालंब ही एक परमात्मा है और मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। मनोन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, ये सीधे आप समझोगे, ये पॉइंट ध्यान में क्या रखोगे, मनोन्मनी अवस्था खेचरी मुद्रा से। ठीक है, ये था मेन मेन चीज याद रखना। खेचरी बहुत लंबा टॉपिक है, इसको पढ़ाना समझ लो कि कंप्लीट लग जाता है, 1-1.5 घंटे टाइम हो ही गया है। आप लोगों को मैं आज बहुत थका दिया, और मैं भी करीब करीब थक गया। कोई बात नहीं सर, मुनि जैसे पूरी क्या सर, ये नेट मनो 1 घंटे में पूरी कर दी है। मनोमनी क्या होता है सर? अरे मनोन्मनी, पुनर्मनी अवस्था बताया था ना आपको, जहाँ पे चित्त शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, राजयोगी राजयोग की प्राप्ति कह सकते हो आप, वो कहते हैं मनोन्मनी अवस्था। कोई प्रश्न है आप बताओ, नहीं तो फिर कल होगा। तो सर, आप बहुत पहले प्यार, पानी पी लीजिए। हाँ यार पानी।
सर वो जीभ काटने वाले बता दीजिए कि जीभ कैसे कहाँ पे काटनी होती है। हाँ बता रहे हैं, आधे लोग भाग गए यार, थक गए। सबसे पहले तो ममता जी का प्रयास खैर जान लीजिए। देखो दिख रहा है क्या, प्रयास क्यों ना करें अगर हम प्रत्यक्ष रूप से, जब तक आपके सामने मार्गदर्शक ना हो तब तक आप काटने का प्रयास मत करिएगा। और देखो दर्शक अगर कोई, लेट मी फिनिश, ठीक है, प्रत्यक्ष भी हो कोई, कोई का मतलब यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, जो श्रेष्ठ हो, जिन्होंने इसका अभ्यास किया, जिसको सिद्ध हो, ठीक है, उनके सामने ही इसका अभ्यास करना, जिस चीज को इसका अनुभव हो, ऐसे नहीं किसी से भी, कि हाँ कोई भी टीचर हो गया, इवन मेरे सामने भी मत, मैं भी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल भी, ठीक है सर। आप सर आप जब अपने स्टूडेंट्स को जलनीति सिखाते होगे तो सबसे पहले आप खुद करके दिखाते होगे। हाँ बिल्कुल, तो लाइक दैट अगर उसी प्रकार का कोई योग साधक है तो उसके सामने किया जाएगा तो पहले वो करेगा। जो नहीं खास कर देखो, ये योग की जो इसका अनुभव किया है प्रत्यक्ष रूप से वही बता पाएगा, ठीक है, तो इसलिए भी किसी के सामने भी नहीं करना है, ठीक है। चलो और देखो बता रहे कहाँ काटते हैं, जहां पे जो सिरा जो जुड़ा हुआ है ना, जीभ उठाओ, जहां पे खिंचाव हो रहा है जीभ के मूल भाग में नीचे का सिरा टच हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, टंग टाई, टंग, अच्छा ठीक है। तो परीका जी बोलते हैं फ्रीनम, हाँ फ्रीनम बोल सकते हैं, अच्छा सब पहले ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने सर्च कर लिया, देख लिया, ठीक है। तो उसको काटते हैं, बाल भर काटते हैं, धीरे धीरे काटते हैं, ठीक है। अब देखो किसी का ये जीव ना तक टच हो रहा है, बताओ, मैंने बताया क्लास के टाइम, यस सर होता है सर, नहीं इसमें दो चीजें सबका हो रहा है, नहीं नहीं सर जी, एक होता है टिप ऑफ द नोज टच होना और एक होता है जो लिप के ऊपर जहां से नोज स्टार्ट होती है वहां टच करना, ये वहां की बात नहीं हो रही, टिप ऑफ द नोज की बात हो रही जो हवा में होता है यहाँ, ये तो सूक्ष्म चीज है तो सब कोई कर सकता है, यहाँ तक कर लो, यहाँ तक तो यहाँ भी नहीं जाता लो, हो जाती है, चलो फिर भी ठीक है, मेरा भी हो जाता है संतोषी जी, अरे आप लोग तो बहुत से भी हो, नहीं बहुत लोग नहीं कर पाते, ये जाता ही नहीं है, इवन ना बहुत लोग का मुख ही नहीं खुलता, ये चार उंगली किनके किनके चले जाते हैं मुख में, चले जाते हैं चार उंगली, चार पांच भी हो जाते हैं कभी कभी, ये भी नहीं जाते, ये तो आप दूसरे खाते हैं, ये भी हो जाती है, हो जाती है सर, ऐसा कहते हैं कुछ लोग जो जिनके नहीं हो पाती है ना चार उंगलियां नहीं जा पाते, वो गुटखा तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं ज्यादातर, उनके अंदर दो उंगलियां घुस पाती है, पानी भी नहीं पी पाते, ठीक से। चलिए ठीक है, ये विषय नहीं है हमारा आज, देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है और समय भी बहुत हो गया है, शांति पाठ करा देता हूँ, इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा जो लोग हैं, इसके बाद जो पूछना हो पूछ लीजिएगा, कमर गर्दन सीधा, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, करेंगे तीन, एक बार ओम मंत्र फिर शांति, शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। फिर रब योर पाम, पुट ऑन योर फेस, अंडर योर पाम ओपन एंड क्लोज योर आईज, होल्ड फेस,
ओके, सभी को प्रणाम, नमस्ते। रिकॉर्डिंग कोई बंद कर दीजिएगा, कोई है यहाँ पे लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग बंद, किसने लगाया है, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए क्या कल? हाँ ठीक है, कल छुट्टी कर, आप बताओ क्लास लेनी है कल तो मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो आप जैसा आप कहो। हरिओम जी, हरिओम। रिकॉर्डिंग बंद सर, जैसा आप कहो वैसा ही हो जाएगा सर, लेनी है तो आप ले देना। ठीक है, कल ले लेंगे फिर इस लेक्चर, ठीक है, सैटरडे ऑफ कर दूंगा। सर एक सवाल था, मैं सवाल नहीं था मतलब सर, एक थोड़ा सा डिस्कशन सा था, जो एक श्लोक है ना हमारा 38, इसमें ना रोगो मरणम चंद्रा नाम निद्रा। ओके सर, ठीक है सर, कल पूछ लेना, बाकी लोगों को भी समझा देंगे, है ना? ठीक है सर, राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे जी, हरी मिलाते, स्वस्थ रहिए, मस्त।